दोस्तों, अगर आपके मोबाइल की डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा। अगर आप ये सेटिंग अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप मोबाइल चलाकर थक जाओगे लेकिन आपका डाटा समाप्त नहीं होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सीक्रेट सेटिंग क्या है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संपू टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। तो चलिए मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में जहां भी आपको कनेक्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको डाटा यूजेज पे क्लिक करना है। डाटा यूजेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपको मोबाइल डाटा यूजेज का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमें मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं सभी के बैकग्राउंड डाटा यूजेज को बंद कर देना है। दोस्तों क्या होता है, हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप्स होते हैं वे बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और डाटा को यूज करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि मोबाइल का डाटा इतना जल्दी कैसे समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, इसे हमें बंद कर देना है। इसके लिए यहाँ आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में यह ऐप्स लगभग 6 MB डाटा समाप्त कर चुका है और नीचे यहाँ अलाउ बैकग्राउंड डाटा ऑप्शन ऑन है, इसे आपको ऑफ कर देना है। चलिए इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद फिर से आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दूसरे ऐप्स पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह ऐप्स लगभग 52 MB डाटा अभी तक समाप्त कर चुका है और इसका अलाउ बैकग्राउंड डाटा ऑप्शन ऑन है, इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद फिर से आपको बैक आ जाना है। इस तरह से करके आपको अपने मोबाइल के सभी ऐप्स के अलाव बैकग्राउंड डाटा ऑप्शन को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स डाटा यूज नहीं कर पाएगा और इससे बहुत ज्यादा डाटा की बचत होगी। उसके बाद यहां से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहां देखिए आपको डाटा सेवर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां देख सकते हैं कि डाटा सेवर ऑफ है, इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने से क्या होगा कि आपके मोबाइल का डाटा बहुत कम खर्च होगा, इससे भी आपके मोबाइल की डाटा बचेगी। तो चलिए यहां ऑन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से बैक आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आपके मोबाइल में जहाँ भी आपको डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपको साइड में अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड ऑफ है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने से क्या होगा कि बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स हैं वो डाटा यूज नहीं कर पाएगा। चलिए इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपको इनेबल का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है लिमिटेड बैकग्राउंड डाटा जो है सभी बंद हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यही वो 3 सेटिंग्स हैं जिसे आपको अपने मोबाइल में कर लेना है। अगर आप ये 3 सेटिंग्स अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो 100% यकीन मानिए दोस्तों, आपके मोबाइल का डाटा जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने को मिलते रहे।